ओडिशार स्थायी विकासर सारथी हेबो सबुज शक्ति, परिवेश सुरक्षा सहित शिल्प अभिवृद्धि हेबो संतुलित, उत्तम भविष्यत पई राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। आज भुवनेश्वर रे इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी द्वारा होइतिबा एही कार्यक्रम रे सरकार को एभली प्रस्ताव दिया जाइछि। कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह जोग देथिले। सबुज विकास पे रोडमैप, परिवेश को सुरक्षित रखी किभली विकास आग को बढ़ी पारिबो से संपर्क में विशेषज्ञ मानक सहित मानस मंथन, विकास मॉडल किभली हेबो जहाद्वारा ग्रीन जॉब सृष्टि करा जाई पारिबो से संपर्क में प्रस्तुत होई ब्लूप्रिंट। विशेषकर खनि खादन क्षेत्र में सौरशक्ति, हाइड्रोजन और बैटरी चालित जानवाहन और यंत्रपाति व्यवहार करहेबो से संपर्क में तथ्य उपस्थापन होई। एथसहित सहर से गढ़ी उठुवा बड़ बड़ कोठा और आपार्टमेंट को किभली ग्रीन बिल्डिंग रे परिणत करहेब एवं परिवेश संतुलन रखा जाई पारिबो से ने विशेषज्ञ माने मत रखिछन्ते। इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी पक्षर आयोजित सम्मेलन रे ए प्रसंग रे आलोचना करा जाई छि। जस्ट एनर्जी जस्ट ट्रांजिशन करिवा पई केंद्र सरकार पेरिस कॉन्फ्रेंस परु वर्ल्ड वाइड जो कमिटमेंट से करछन्ते आमे से दिगरे वर्तमान काम आरंभ करीछु एंड आई एम कॉन्फिडेंट ओडिशा इज कमिटेड टू अचीविंग इट्स टारगेट। वी शुड नॉट लेट दिस एनर्जी ट्रांजिशन बिकम बिग बिजनेस ओनली फॉर बिग पीपल। वी हैव टू इंश्योर दैट दिस एनर्जी ट्रांजिशन आल्सो हैज समथिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ अ बेटर लाइवलीहुड, इन टर्म्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर फॉर दोस who inevitably have become a part of the carbon economy and this is what is called just transition। राज्य सरकार वर्तमान सबुज अभिवृद्धि एवं सबुज नियुक्ति उपरे काम आरंभ करिसेंति। राज्य रे नवीकरण योग्य शक्ति नीति सौर पार्क प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित करबा सह अक्षय शक्ति उत्पादन रे घरै क्षेत्र रे अंश ग्रहण को उत्साहित करछन्ति। सेपर जंगल संरक्षण, एग्रो फॉरेस्ट, स्थायी कृषि अभ्यास, बर्ज्यवस्तु परिचालना एवं यार पुनर्व्यवहार, सबुज भित्तिभूमि, सहरी योजना, इको टूरिज्म उपरे मध्य गुरुत्वारोप करुछन्ते राज्य सरकार। सोलर एनर्जी में 150,000 कैंडिडेट्स को अक्रॉस इंडिया ट्रेन और सर्टिफाई किया है और ग्रीन हाइड्रोजन में हमारा एक बहुत बड़ा मैंडेट है जिसमें कि हमें 6 लाख मैन पावर जो है टेक्निकल मैन पावर क्रिएट करनी है बाय 2030। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का विजन है और साथ में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो कि गवर्नमेंट का विजन है जिसमें कि 1 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं वो सोलराइज करने हैं अक्रॉस इंडिया, उसमें एक बहुत मेजर कॉम्पोनेंट जो है वो गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा जैसी स्टेट्स का रहेगा। पहली रिपोर्ट है उड़ीसा के लिए जो कि बताएगी कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए उड़ीसा को काम करने की ज़रूरत है, वो क्या क्या काम है, किस किस इंडस्ट्रीज़ में काम है। जैसे कि उड़ीसा में खनन बहुत है, कोल माइनिंग बहुत है, थर्मल पावर है, स्टील सेक्टर है, उन लोगों को किस तरह से हम ग्रीन कर सकते हैं और उससे कितनी नौकरियां बढ़ेंगी, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा और उड़ीसा को नए नए क्या पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ग्रीन ग्रोथ के लिए। केंद्र सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जरिया 6 लाख नियुक्ति सृष्टि लक्ष्य रे ओडिशार मध्य भागीदारी रही। सरकारकर सहित सबुज परिवेश सृष्टि दिगरे जनसाधारण का सहयोग मध्य आवश्यकता रही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन पवित्रों सह दुतिकृष्ण पहिं रिपोर्ट न्यूज 7।